एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्राप्ति साधु महाराज आए हुए थे। बहुत से दीन दुखी परेशान लोग उनके पास उनकी कृपा दृष्टि पाने हेतु आने लगे। ऐसा ही एक दीन दुखी गरीब आदमी उनके पास आया और साधु महाराज से बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे ऊपर कर्ज भी है, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मुझ पर कुछ उपकार कीजिए। इतना सुनते ही साधु महाराज ने उसको एक चमकीला नीले रंग का पत्थर दे दिया और कहा कि यह कीमती पत्थर है, जाओ जितनी कीमत लगवा सको लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चुपचाप उठकर चला गया और उसे बेचने के इरादे से अपने जान पहचान वाले फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जाननी चाही। फल विक्रेता ने बोला कि मैं इसकी अच्छी कीमत तो नहीं लगा सकता, परंतु महात्मा ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया होगा। हाँ यह सुंदर है और चमकदार दिखाई देता है, तुम मुझे इसके 1000 रुपये दे दो। फल विक्रेता ने इतना कहा और वो आदमी निराश होकर अपने एक अन्य जान पहचान वाले के पास गया जो कि एक बर्तन व्यापारी था। उसने उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाया और उसे बेचने के लिए कीमत जाननी चाहिए। बर्तन व्यापारी बोला, यह पत्थर कोई विशेष रत्न है, मैं तुम्हें इसके 10000 रुपये दूंगा। वह आदमी सोचने लगा कि इससे कीमती और भी अधिक होगा और यह सोचकर वह वहाँ से भी चला गया। फिर वहाँ से चलने के बाद वो आदमी धीरे धीरे और एक अपने जान पहचान मित्र के पास जा रहा था और अब वो जाने वाला है। उस आदमी ने इस पत्थर को अब एक सुनार को दिखाया। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह काफ़ी कीमती है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। यह सुनने के बाद आदमी के मन में खुशी दौड़ उठी और वह थोड़ा और सोचने लगा। वो आदमी अब समझ गया था कि यह बहुत अमूल्य है। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे हीरे के व्यापारी को दिखाऊं। यह सोच वह शहर के सबसे बड़े हीरे व्यापारी के पास गया। उस हीरे के व्यापारी ने जो वो पत्थर देखा तो देखता ही रह गया। चौंकने वाले भाव उसके चेहरे पर दिखने लगे। उसने उस पत्थर को माथे से लगाया और पूछा, तुम कहाँ से लाए हो, यह तो अमूल्य है, यदि मैं अपनी पूरी संपत्ति बेच दूँ तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता हूँ। यह सुनकर वह गरीब आदमी और ही प्रसन्न हो गया और वह समझ गया था कि अब इसे मैं और भी अच्छे दामों में बेचूँगा। कहानी से सीख, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं? क्या हम वो जो राय दूसरे के बारे में बताते हैं, अपनी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी दूसरे के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए।